सच्चे प्यार की खातिर वीर बन गया है अकबर। कहने को जश्न बहारा है, देश को ये देख के हैरा है। वीर के प्यार का तपस्या ने भी दिया प्यार से जवाब, इश्क ये देख के हैरा है। अपने टीवी के अकबर की खातिर तपस्या बन गई जोधा। गुलशन में जोधा अकबर बनकर वीर तपस्या कर रहे हैं सरेआम अपने प्यार का इजहार। जरा आप भी देखिए प्यार के इन दो लफंगे परिंदों को। सोए सोए वक्त के धारे हैं। इन दोनों को किसी की भी फिक्र नहीं है, ये दोनों खोए हुए हैं एक दूसरे के प्यार में। कहने को जश्न बहारा है। चाहे जमाना कितना भी जालिम क्यों ना हो, इन दोनों को नहीं है किसी से मतलब। यहाँ तो ये सिर्फ कर रहे हैं एक दूसरे से प्यार, और इन दोनों का प्यार देखकर इश्क भी है हैरान। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। इन दोनों को देख आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीर और तपस्या का ये प्यार सबके सामने खुद ब खुद बयां हो रहा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। इन दोनों का ये प्यार इस कदर इन पर हावी है कि दोनों किसी की भी फिक्र ना करते हुए एक दूसरे से कह रहे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये ना सिर्फ बयां कर रहे हैं बल्कि तीन तीन गानों पर परफॉर्म करके इस बात को साबित भी कर रहे हैं। ये देखिए गाना नंबर वन। ये देखिए गाना नंबर दो। और अब गाना नंबर तीन। यानी इन दोनों ने एक दूसरे में खोकर साबित कर दिया है कि प्यार किया तो डरना क्या। आलोक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, E24। रियल लाइफ में देखो वीर तपस्या का सच्चा प्यार। रियल लाइफ में दिखाते हैं झूठी तकरार। सीरियल में तपस्या है चालबाज। बता दो तुमको, हमने लिखा ये खत। हमने जो कुछ भी किया आज तक अपने प्यार को पाने के लिए किया। रियल लाइफ में वीर के लिए तपस्या है दगाबाज। लेकिन रियल लाइफ में तपस्या का ये वीर है आशिक मिजाज। जी हाँ, सीरियल में तो वीर तपस्या की ये जोड़ी आप सभी को एक आंख नहीं भाती है। सीरियल में तो तपस्या की साजिशें आप सभी को रुलाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो ये तपस्या है बहुत ही प्यारी। और ये प्यारी तपस्या है रियल लाइफ में वीर की पहली पसंद। बताइए कि अगर तपस्या वीर की पसंद ना होती तो भला हर प्रोग्राम में ये वीर की हीर कैसे बनती, जबकि इच्छा अभी तक एक बार भी वीर के साथ किसी प्रोग्राम में शिरकत करती नजर नहीं आई है। उतरन में तो वीर सिर्फ और सिर्फ इच्छा के लिए ही जीता और मरता है, लेकिन रियल लाइफ में तो वीर को नहीं है इच्छा की फिक्र। रियल लाइफ में तो वीर दीवाना है सिर्फ और सिर्फ तपस्या का। यानी तपस्या अपनी साजिशों में, अपनी चालों में अच्छी तरह से हो गई है कामयाब। तभी तो सीरियल में ना सही तो सीरियल के बाहर ही सही, तपस्या ने वीर के दिल पर अपनी बादशाहत कायम कर ही ली है। जैसे दरिया
मालिका बनकर कर रही है वीर के दिल पर राज। ब्यूरो रिपोर्ट E24। तपस्या ने सरेआम किया अपने प्यार का इजहार। वीर तपस्या बने जोधा अकबर। तो मयंक और नुपुर बने राधा और कृष्ण। जी हाँ, छोटे पर्दे के जोधा अकबर से तो आप मिल चुके, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं छोटे पर्दे के राधा और कृष्ण से, जो और कोई नहीं बल्कि मिले जब हम तुमकी फेवरेट जोड़ी मयंक और नुपुर है। देखा आपने, मयंक कृष्ण बनकर गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। नुपुर राधा बनकर कृष्ण के साथ इस रास लीला का हिस्सा बनी हुई है। आप छोटे पर्दे के जोधा अकबर से तो मिले, कृष्ण और राधा से भी मिले। अब बारी है उस जोड़ी की जो ढोल और नगाड़े बजाकर इस जश्न का हिस्सा बने। जी हाँ, ये है आपकी प्यारी गहना और उनके साथ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं अक्षत। यानी अगर वीर और तपस्या टीवी के जोधा अकबर बने हैं, तो गहना और अक्षत ने भी मारी है बाजी। ये दोनों भी ढोल बजाकर बन गए हैं टीवी के ऐश्वर्या राय और सलमान खान। वाकई में ये टीवी स्टार्स तो कमाल के परफॉर्मर्स हैं। वैसे सिर्फ ये ही नहीं, कुछ और स्टार्स भी हैं जो स्टेज पर अपने नच का कमाल दिखा रहे हैं। इसे बोलते हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। खैर, अब छोटे पर्दे की बात और रियलिटी शोज का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? आपके इंडियन आइडल श्रीराम ने भी स्टेज पर किया परफॉर्म। अब इंडियन आइडल परफॉर्म करेंगे तो भला शो के बाकी कंटेस्टेंट कैसे पीछे रहेंगे? वैसे भी इन्हें तो परफॉर्म करने का बस मौका चाहिए। वाकई में ये छोटा पर्दा अब छोटा नहीं रह गया है, ये अब बन गया है एंटरटेनमेंट का बिग बॉस। क्यों, सही कहा ना? ब्यूरो रिपोर्ट E24।